आपके मन में जो भी, जैसे जैसे हम घटनाओं का अनुभव करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, घटनाएं अनुभव करते हैं जीवन में, कभी सुखद कभी असुखद घटनाएं, आपके मन पर जो प्रभाव छोड़ रही है ना, जो मन प्रभाव इकट्ठा करता जा रहा है, सुदर्शन क्रिया से उन सभी प्रभावों से मुक्ति मिलती है। जब भूतकाल को छोड़ते जाओगे, सफाई करते जाओगे मन की, तब वर्तमान में यहां अभी जीवन कहां चल रहा है, अभी है, देखो जीवन यहां है, उसको पूरी तरह जीना हो तो पास्ट का, भूतकाल का जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे छोड़ना पड़ेगा। सुदर्शन क्रिया से वो उस कचरा छूटेगा। जैसे हम शरीर की सफाई हर रोज करते हैं, सब लोग नहाते हो हर रोज, हाँ या ना, वैसे ही ये मन की सफाई है हर रोज। किसी दिन नहाए बगैर रहना पड़े तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है? वैसे ही मन को नहलाया नहीं हो तो फिर ऐसे ही करके बैठे रहो। इसीलिए मैं कह रहा था, जिनको ये खजाना मिल चुका है ऑलरेडी, वो अगर उसका अभ्यास नहीं करे, ये अक्षम्य अपराध है। जिसको खजाना मिला ही नहीं वो भीख मांग रहा हो तो बात अलग है, खजाने पर बैठकर भीख मांगना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बात आई समझ में? तुम अगर क्रिया करके अपना ऐसे मस्त होकर जी रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी लगेगा, अरे यार इन्होंने क्रिया की उसके बाद उनमें फर्क हुआ है। तुम कोर्स करो फिर क्रिया नहीं करो, लोग देख रहे हैं तुम्हें, कहते हैं हाँ इन्होंने तो किया, कुछ फर्क नहीं लगा इसमें तो। अब इसके बाद आज से संकल्प करो सब लोग, आज से एक निश्चय कर लो, जब तक सुदर्शन क्रिया का अभ्यास नहीं होता सुबह, तब तक मुंह नहीं खोलना, खाने के लिए भी नहीं, बोलने के लिए भी नहीं। इन दो कार्यों से ही तुम गड़बड़ करते हो। एक बार खाना खा लिया, उस दिन की क्रिया गई है कि नहीं मुझे बताओ। वैसे ही बोलना शुरू किया, वो भड़बड़ भड़बड़ बोलने में कहां तुम्हारा मन बिखर जाता है तुम्हें पता भी नहीं लगता। तो जब तक क्रिया नहीं होती तब तक ऐसे संयम करके ना खाना ना बोलना, ऐसे मौन में रह के क्रिया कंप्लीट कर लो, उसके बाद बोलना शुरू करोगे सब लोग। हाँ। संकल्प एकदम, ये सब लोग मुंह करना।